पापा जूस पिला ठंडा ठंडा अच्छा। और ये कह रहे हैं स्वागत है आपका हमारे एक नई ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के ठीक 5:30 बजे से। और अभी जाना है हमने कृष्ण का नया लाल के लिए ड्रेस लानी है, और बाज़ार से थोड़ा खरीदारी करेंगे, तो मिलते हैं सीधे आपको सीधी मार्केट में, तो बने रहिए आप हमारे साथ। क्या लागे कान्हा जी के लिए 10 लाएंगे। और दिव्या ने स्टार्ट कर दिया गाड़ी, अब दिव्या कैमरे में आने लगी। अच्छी बात है। सबसे पहले अभी हम जाएंगे हरबतपुर, तो हरबतपुर में है हमारे खास दोस्त की दुकान, तो वहीं से लाएंगे हम कृष्ण कन्हैया लाल के लिए वस्त्र। तो अभी हम जा रहे हैं लेमनपुर के पास, तहसील है यहाँ पर, तहसील के पास पहुँच चुके हैं। और मेरे साथ कौन कौन बैठा है आप जानते होंगे, मेरे साथ है अवधेश लगती है। अभी यहाँ लगभग घर से और चौक की जो दूरी है हरबतपुर वो लगभग 2-3 किलोमीटर होगी जाते जाते, और इतने में प्यास लगी है भाई। ये भी कह रहे हैं प्यास लगी बच्चे चुका हूँ जहाँ से मुझे लेनी है कान्हा जी की ड्रेस, तो दुकान पर आ गया हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं। और बाजार से सारी सामग्री खरीदने के बाद अब हम निकल पड़े हैं सीधे घर की तरफ, हम मिलते हैं सीधे घर में। और अब हम मार्केट से घर आ गए हैं, अब दिव्या चलाएगी यहाँ पर स्कूटी। तो अगस्त ने भी अपना दांत तोड़ दिया, अगस्त दांत दिखाए कौन सा तोड़ा, हाँ अगस्त ने तोड़ा है दांत, दिखाओ ये दांत टूट गया अगस्त का। कृष्णा ने आज कटिंग करवाई,
धीमे से लाएगी स्कूटी। उतर तो जाओ। और मामा आ जाओ नानी। अब तो सुधर जा। अबे ये